जी तो भाईजान, पहुंच गए हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो अभी मेरे ख्याल से वो अली भाई रह गया होगा। तो बोल तो रहा था कि पार्किंग में गाड़ी नहीं लगानी, तो सामने ही जो लाइन है जहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे जाके देखता हूँ, उसे थोड़ा सर्च करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे और महफूज भी। मैं अभी जा रहा हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट, पहुँच गया हूँ सराय आलमगीर, और यहाँ से करूँगा नाश्ता। ये अपने एक भाई साहब हैं, उनके पास हम तकरीबन 6 साल से उनके पास आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और ये तो नहीं डेली के इन्हीं से करते हैं नाश्ता, लेकिन जब कभी मौका मिले, घर अच्छा बनाते हैं ये। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी शॉप। तो सामने उनकी शॉप है सराय, जो सराय आलमगीर थाना है उसके बिल्कुल साथ में। तो अभी जा रहा हूँ उनके पास नाश्ता करने, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकलते हैं, और रास्ते में जो भी फिर अपडेट होगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे लिए एक चावलों की प्लेट रेडी हो रही है, काफ़ी अच्छी, इनके हाथ में अच्छा टेस्ट है, अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और ज़्यादा इनके पास चावल और चने ही हैं। ये जी हमारा सुबह को नाश्ता, चेक करेगा। मेरे ख्याल से देखने में ही अच्छा लग रहा है, और खाने में कैसा होगा फिर? मज़ा आया जी व्यूवर्स, अभी मैं नाश्ता करके निकला हूँ, जेलम शहर क्रॉस कर रहा हूँ, और जैसे आपको मैंने बताया था कि उनका नाश्ता बहुत अच्छा होता है, स्पेशली उसमें जो कोई बनाते हैं ना अपने वाइट चने, उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, वो भी खा के निकला हूँ। तो जा रहा हूँ इस्लामाबाद ही, 9 का टाइम हो गया, 9 बज के। उम्मीद करता हूँ कि रास्ते में ज़्यादा रश ना मिले, और ख़ासतौर पर रावलपिंडी में रश ना मिले। है तो संडे का दिन, लेकिन अगर रश ना हुआ तो फिर टाइम से पहुंच जाऊंगा, अगर रश मिल गया तो फिर हो सकता है कि आधा घंटा मैं लेट हो जाऊं। और एक और बात कि काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स जो है चाहने वाले, वो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो बराए मेहरबानी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, और मेरी आने वाली डेली वीडियोस को लाइक कर दिया करें प्लीज़। बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, वरना यहाँ से गुजरने नहीं होता, पर अंदरून शहर जाके चेक करते हैं आगे क्या बनता है। तो वैसे जिसने भी बैरून मुल्क से आना हो तो अच्छा तो यही है कि अगर इस्लामाबाद से आए एयरपोर्ट से तो अपनी जो फ्लाइट है वो संडे वाले दिन की रखें, चलो रश तो नहीं ना मिलता, वरना नॉर्मल डेज में तो अल्लाह ही माफ़ करे। मैं कम से कम रावलपिंडी क्रॉस करते हुए 1 घंटा तकरीबन लग जाता है अगर रश हो तो। हाँ जी व्यूअर्स, अभी मैं आ गया हूँ इस्लामाबाद वाली हाईवे पे, तो रश तो कोई नहीं इतना मिला, लेकिन फिर भी कम से कम मैं 15 मिनट लेट हो गया हूँ। तो उसके भाई की भी कॉल आई थी अली की, वो कह रहा जी मेरा जहाज लैंड कर गया है, तो आप जल्दी से आ जाओ, मैं जा रहा हूँ उसी तरफ। जी तो भाईजान, पहुँच गए हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो अभी मेरे ख्याल से वो अली भाई रह गया होगा। तो बोल तो रहा था कि पार्किंग में गाड़ी नहीं लगानी, और सामने ही जो लाइन है जहाँ से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर जाके देखता हूँ, उसे रिसर्च करता हूँ। इसकी सेहत चेक करें, 1.5 महीना दुबई रह के आया है, लेकिन वैसे का वैसे ही, कोई फर्क नहीं। आओ जी आओ, वेलकम
वेलकम टू पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। मामा तेरी सेहत च कोई फर्क नहीं पिया, लगता उत्थे भी रोटी खान नूं कोई लब्भी ना। ठीक हो गया। और कोई बंदा हेलो हाय कर दिंदा करना? अच्छा हेलो हाय कर। साह लैन दियो, साह लैन दियो। हां हां जी, और सुनो के हाल चाल? ठीक हो? ठीक ठाक जी सारेयां। बरार साहब तुहानू वी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिसीव करन आए हो? जी हां जी, असीं कहिंदे को फ्री रिसीव करन आए हां, तां ही आख्या ना। चलो चलिए। बाहरों आए हो ते मैं तो क्या कोई इतर इतर शितर लाया हुआ था, पर आंधी तुहाडे कोल मुश्क ही है पे। शुक्र करो के गल आ गए हैं, जा दिन लास जा दे चेसी को नहीं आया। शुक्र करो शीशा चढ़ो ना। बस आ गया मैं अभी अपने घर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट गया हुआ था, तो रस्ते में छोटा सा एफएन वहाँ गए, वहाँ पे बैरियर टाउन में, बैरियर टाउन में जाके हम सिविक सेंटर गए, वहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो वेटर बिल लेके आया तो हमारे साथ एक ऑफिशियल बंदा था, मैं उस वजह से वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर मैं आपको सब दिखाता कि कैसे ये होटलों वाले और ये सारे अमला मिल के कैसे दो नंबरियाँ करते हैं। चीज़ हमने जो मंगवाई आई तो वही, लेकिन उसमें जो रेट लगे हुए थे वो उससे किसी और चीज़ के लगे हुए थे। जैसे कि हमने क्लब सैंडविच मंगवाए और रेट जो था वो ग्रिल सैंडविच का, तो ऐसे उसने चाय का भी रेट ज़्यादा लगाए। तो उस वेटर को बुलाया, उस वेटर के बाद उस होटल के मैनेजर को बुलाया, तो वो माफिया और तरले आ जाके जो ये काम करते हैं, फिर कहते हैं जी खाने का बिल ना दो, आप ऐसे चले जाओ। तो कहने की बात ये है कि जब भी आप कहीं जाते हो, खाना वगैरह खाते हो, तो जो बिल आता है उस बिल को लाजमी एक दफ़ा सही तरह चेक कर लिया करें कि आया कि जो चीज़ आपने मंगवाई थी, जाहिर सी बात है पहले बंदा मेन्यू पे रेट चेक करता है उसके बाद ही चीज़ मंगवाता है, तो एक दफ़ा वो उसको रीड कर लेना चाहिए तो बेहतर होता है, वरना ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के बंदों को ऐसे लूटते हैं, हराम कमाई करते हैं। तो बेइज्जत तो उनको बहुत किया, लेकिन कहाँ शर्म आती है, हमारे मुल्क में आजकल चल ही ये सब कुछ रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक अगर अपनी गवर्नमेंट को भी चेक करें, सब ये ऐसे ही चल रहे हैं। और यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, और काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स मेरे वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो बड़ा मेहरबानी प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स में लाजमी कुछ अच्छा लिख के सेंड किया करें, ताकि उससे और मैं अपने वीडियो को अच्छा कर सकूँ, बेहतर बना सकूँ, और आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।